दोस्तों, क्या आप भी अपनी मनी का सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? है? अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही सही जगह आए हैं आप, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी मनी का सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी कि SBI म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से SIP करके अपनी मनी का सही जगह इन्वेस्टमेंट कर पैसे से पैसे बना सकते हैं। तो काफी लोग ने ये पूछा था कि क्या ये प्रोसीजर ऑनलाइन नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड में आपको म्यूचुअल फंड के ऑफिस विजिट करना कंपलसरी होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है वो वहाँ पर जाके ही ऑफिस में कंप्लीट होता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन स्टॉक मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रो ऐप के थ्रू आप कैसे म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। सारी प्रोसीजर बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन में ऑलरेडी ग्रो ऐप अवेलेबल है। अगर आपके भी फोन में ग्रो ऐप चाहिए तो आप प्ले स्टोर में चले जाइए और यहाँ पे सर्च बार में लिख लेंगे ग्रो। उसके बाद इस पहली वाली ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन दिया रहेगा, उसको आप क्लिक कर लेंगे। देन ओपन में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओपन में आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले लॉगिन होना आवश्यक है। लॉगिन होने के लिए आप अपना मेल आईडी डालिए। मेल आईडी डालने के बाद आपको रजिस्टर होने के लिए कुछ प्रोसीजर हैं, वो प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। लाइक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे टाइप की कुछ डिटेल्स होती हैं। वो सारा आप जैसे ही डिटेल डालेंगे तो आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा। आप एक बार इस ऑप्शन में क्लिक करिए, उसके बाद फिंगरप्रिंट या जैसे भी आप लॉगिन हो सकते हैं, तो मैं अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन हो जाती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड। आप जिसमें सूटेबल हैं आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तो बताऊँगी म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन देख लेते हैं स्टॉक मार्केटिंग और गोल्ड के भी बारे में। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अगर आप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ अपडेट देती रहती है कि SBI में कितना ग्रोथ चल रहा है, एक्सिस बैंक हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केटिंग आप कर सकते हैं, और कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी गई रहती हैं। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, जितने भी अपडेट होते रहते हैं वो सामने में शो होते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप गोल्ड में भी इंटरेस्टेड हैं, गोल्ड, डिजिटल गोल्ड अगर लेना चाहते हैं, तो आप कम रेट में गोल्ड को ले लीजिए। उसके बाद जैसे ही हाइक करता है गोल्ड का रेट, तब आप जो है उस डिजिटल गोल्ड को बेच भी सकते हैं ऑनलाइन, या फिर खरीद भी सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए अब चलते हैं म्यूचुअल फंड की ओर। म्यूचुअल फंड जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कलेक्शन में SIP विथ 500 रुपीज दी गई है। आप अगर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए। SIP का मतलब ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें मिनिमम 500 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके। तो चलिए मैं इसको क्लिक करके बताती हूँ आपको। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारी कंपनियों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे 3Y रिटर्न्स दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ हैं, अगर आप 500 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनी पर, और वहाँ पे हर मंथ आप अगर SIP करते हैं 500 रुपए की, तो आपको 3 साल में इतने रुपए का लाभ होगा। मीन्स 500 रुपीस अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि ऊपर में दिया गया है, आप डालते हैं तो आपको 3 साल में 17.7% रिटर्न आएगा।
इसके अलावा अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो है इसमें लाभ पा सकते हैं 19.58 का। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि SBI स्मॉल कैप है या फिर मोतीलाल ओसवाल है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी सपोज़ मैं 1 ईयर का रिटर्न अगर चाहती हूँ अपने 500 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ की SIP आपकी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद हर मंथ जो है आपका आपके अकाउंट से 500 रुपीज़ कटेगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 1 ईयर में सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है ये अभी बहुत ही ज़्यादा इसका मार्केट हाइक में है, जिसमें 125% आपको रिटर्न मिलेंगे इसमें। दैट मीन्स 500 रुपीज़ का अगर SIP करते हैं तो आपको 125% का इसमें लाभ आपको मिलेगा 1 साल में। तो आप जो हैं इस कंपनी के साथ जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हर महीना SIP का बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, या तो आप मंथली करिए मंथली SIP या फिर वन टाइम में ऐसा होगा कि आप एक ही बार अमाउंट डालेंगे और या फिर 500 रुपीज़ भी डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ ही अमाउंट है जिसका आप मंथली करना चाहते हैं, मंथली मीन्स आपके अकाउंट से कटे, तो आप जो है मंथली SIP में भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथली SIP में आप लोग को जाके बता देती हूँ, और यहाँ पे मैं मिनिमम 500 या फिर 1000 रुपीज़ लिख देती हूँ। उसके बाद जो है SIP डेट मीन्स ये जो 1000 रुपीज़ है वो आपके अकाउंट से कब कटेगा, तो यहाँ पे 15th ऑफ एवरी मंथ दिया गया है। इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ आपके पास हर महीने 20 को अवेलेबल रहेगा आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपीज़, तो आप डेट यहाँ से अपने हिसाब से रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं और कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टू कार्ड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसमें सोच विचार अगर करना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ड में रख सकते हैं अपने जो भी प्रोसीजर है इसको। उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करना है आपको। इन्वेस्ट नाउ में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको आपके अकाउंट से पे करना होगा। पे करने के लिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग और UPI ID। तो यहाँ पे मैं गूगल पे के साथ जाती हूँ। गूगल पे के थ्रू अगर मैं पे करना चाहती हूँ 1000 रुपीज़, तो मैं गूगल पे में पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। प्रोसीड टू पे में आपको जाना है अगर आप गूगल पे से पे कर रहे हैं 1000 रुपीज़ को। उसके अलावा नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन हैं, आप कोई से भी ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक बार लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद जो है आपके अकाउंट से आपका जो पैसा है वो कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोसीजर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है मेरा, और यहाँ पे सारी डिटेल देते जा रही हैं। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में जाके जितनी भी डिटेल है वो देख सकते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल दी गई हैं, ऑर्डर इन प्रोग्रेस, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो कि 1000 रुपीज़ का है, और ऑर्डर स्टेटस भी देख सकते हैं। ये प्रोसीजर में ही है, और जैसे ही ये अप्रूवल होता है, अप्रूवल होने के बाद जो है आपका हर मंथ जो है SIP कटता जाएगा। हर मंथ आपका 1000 रुपीज़ अगर आप अपने बैंक से कटवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू में जाना होगा, और यू में बैंक एंड ऑटो पे में आप जाएंगे। बैंक वाले ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑटो जनरेट एक चलान मिलेगा जिसमें आपको सिंपल सिग्नेचर करना है और यहाँ पे फोटो खींच के अपलोड करना है। उसके अलावा अगर ऑटो पे करना चाहते हैं, ऑटो पे में आपके पास गूगल पे का ऑप्शन दिया रहेगा, दैट मीन्स आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा आपके अकाउंट से हर महीना। तो ये सब जो भी मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही ट्रस्टेड है, और इसमें बहुत अच्छे से मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट करती हूँ, इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छे आते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है। तो आप जो हैं इसके साथ जुड़ सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो हैं आप म्यूचुअल फंड में
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने अमाउंट को। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।